इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज विद इंटेलिजेंस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों एसी यानी एयर कंडीशनर के बारे में आपको पता ही होगा। एसी हमें गर्मियों में ठंडक देने का काम करता है और एसी के बहुत सारे प्रकार हैं जिनके बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सभी टाइप के एसीज की जानकारी मिलेगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो है, आप एंड तक देखना वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज विद इंटेलिजेंस। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला टाइप है डक्टलेस या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि कॉमनली अपार्टमेंट हाउसेस में यूज किया जाता है। डक्टलेस एसी में दो प्रकार के यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट इंडोर होता है जो कि कंडेंसिंग करता है और दूसरा यूनिट जो कि आउटडोर यूनिट होता है उसको घर की बाहर वाले दीवारों पे माउंट किया जाता है। इन दोनों यूनिट्स को जॉइंट करने के लिए एक रेफ्रिजरेंट ट्यूब होती है और इस प्रकार के एसी को सिंगल रूम या फिर छोटे एरिया वाले जगहों को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है और आप इनको रिमोट द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है विंडो एयर कंडीशनर, जो कि सिर्फ एक स्क्वेयर यूनिट होता है और सिर्फ उसी स्क्वेयर में एसी के सभी कंपोनेंट्स आते हैं। तो दोस्तों आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि ये एसी विंडोज पे यूज किया जाता है और दीवार में होल कर इसको फिट किया जाता है। इस एयर कंडीशनर के पीछे वाली साइड यानी आउटडोर साइड से सारी गर्म हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा इंडोर साइड से हमें मिलती है। ये एयर कंडीशनर सस्ते और आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं और इनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। अगला टाइप है पोर्टेबल एयर कंडीशनर, जिसके बारे में आपको नाम से पता ही चल गया होगा। इन एयर कंडीशनर्स को हम किसी भी जगह ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। पोर्टेबल एयर कंडीशनर बिल्कुल सेम टू सेम होता है विंडो एयर कंडीशनर जैसे। ये भी एक सिंगल यूनिट होता है जिसमें सभी कंपोनेंट्स आते हैं उसी सिंगल यूनिट में। बस डिफरेंस इतना है कि ये आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं छोटी सी जगह पे। इन एयर कंडीशनर्स को सिर्फ एक पावर सप्लाई पॉइंट और एक विंडो जहाँ से इसका एग्जॉस्ट पैनल जा सके उतनी ही जगह लगती है और पोर्टेबल एसी स्टोर करने में और सेटअप करने में बहुत ही इजी होते हैं। फिर आगे है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हवा को एक पर्टिकुलर जगह पे कूल किया जाता है और उस हवा को घर या फिर रूम्स में पाइप्स या फिर डक्स द्वारा भेजा जाता है। ये एसी स्प्लिट एसी जैसे ही होते हैं, ये उनसे मिलते जुलते हैं क्योंकि इसमें भी दो यूनिट्स होते हैं, कंडेंसिंग यूनिट और इवेपोरेटिंग यूनिट। इस एयर कंडीशनर में जो कंडेंसिंग यूनिट यानी आउटडोर यूनिट होता है वही मुख्य काम करता है क्योंकि उसमें कंडेंसर होता है जो एयर कंडीशनिंग करता है और जो हवा कंडेंसर कंडेंस करता है उस हवा को घर में पाइप्स या फिर डक्स द्वारा स्प्रेड किया जाता है। और दोस्तों सेंट्रल एयर कंडीशनर्स को पूरे घर को या फिर कोई बिल्डिंग को एक साथ कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर पांचवा प्रकार है जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी की एयर कंडीशनिंग है जिसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों होती है। इसमें पृथ्वी की अर्थ की हीट को काम में लिया जाता है, हीट एक्सचेंजिंग होती है ग्राउंड से। घर के नीचे पाइप्स डाले होते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए। इसमें एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड पंप होता है जो हीट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भेजता है। ठंडियों में ये एयर कंडीशनर नीचे की हीट ऊपर भेजते हैं और गर्मियों में ऊपर की हीट नीचे जाती है पाइप्स द्वारा और वो ऊपर कूलिंग देते हैं। ऐसे एयर कंडीशनर्स सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एयर कंडीशनर्स के पांच मुख्य प्रकार बताए हैं। और वैसे तो एयर कंडीशनर्स के बहुत अलग अलग प्रकार आते हैं, फ्लोर माउंटेड, वॉल माउंटेड, स्मार्ट एसीज, हाइब्रिड एयर कंडीशनर्स, लेकिन मैंने जो आपको बताए हैं वो मोस्ट कॉमनली और मुख्य प्रकार है एयर कंडीशनर्स के। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट एसी कौन सा लगा और आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आप इंस्टाग्राम ट्विटर पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं तो वो भी देखना क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है।